धातु रोग है। अभी धातु रोग। कितनी उम्र है भैया? तो मेरा उम्र 24 साल है। 24 साल है। चलिए, जब 10वीं 8 साल से है, बहुत प्रॉब्लम मैं है। समझ सकता हूँ। चलिए, इस भाई के बहाने हम काफी जवानों को ये समाधान दे देते हैं। और धातु रोग, पहले मैं भाइयों के बारे में बात करूंगा, फिर बहनों के बारे में। धातु रोग में तीन चार तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और लोग उनसे इतने घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। एक धातु रोग जो है, रात को सोते समय डिस्चार्ज हो जाना, इसको स्वप्न दोष कहते हैं। उसके लिए आप अपने आहार विचार को थोड़ा नियंत्रित रखिए, अपने मन में शुद्धता का भाव रखिए, अपने महान पुरुषों के चित्र और उनके चरित्र का ध्यान कीजिए, तो अपने आप मन में सात्विकता पवित्रता बनी रहती है। और फिर आहार विचार का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तीखे, तले हुए ऐसे पदार्थ ज़्यादा मत खाइए, बहुत सीमित आहार लीजिए। फिर सबसे अच्छा होता है शतावर। शतावर का प्रयोग लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बराबर है। दो दो तीन तीन ग्राम सुबह शाम शतावर लेने से धातु रोग किसी भी तरह का हो, पुरुषों को स्वप्न दोष से लेकर के फिर पेशाब के आगे पीछे चिकना चिकने पदार्थ निकलने से लेकर के जो शादीशुदा हैं फिर उनको किसी भी प्रकार की यौन दुर्बलता है, उसके लिए तो फिर हम यौवनामृत, चंद्रप्रभा, शिलाजीत का भी उपयोग बताते हैं। ज़्यादा समस्या हो तो उसका भी सेवन कर सकते हैं, यौवनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन। बाकी अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली, इन तीनों का पाउडर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए केवल शतावर का प्रयोग। और वो फिर अशोक अशोकारिष्ट या दशमोलारिष्ट का सेवन कर सकती हैं। पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली तीनों का पाउडर करके, ये मिला करके दो दो ग्राम सुबह शाम ले लीजिए। वैसे यौवन चूर्ण भी हम देते हैं, उससे भी समस्या का समाधान हो जाता है। अब अगली बात कहता हूँ, ये तो सामान्य समाधान बताया। अब किसी किसी के शरीर में गर्मी बहुत होती है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आंवला एलोवेरा का जूस पीजिए, आंवले का चूर्ण खाइए, आंवले के रसायन लीजिए। पेट साफ नहीं होता, उससे भी धातु रोग होते हैं, तो आप त्रिफला चूर्ण रात को ले लीजिए, उससे भी आपको धातु रोग में लाभ मिलेगा। किसी किसी को बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना भी बहुत आता है, पेशाब भी पीला आता है, और ऐसे माथा भी बहुत गर्म रहता है, पित्त प्रकृति होती है, तो गोंद कतीरा आता है, उसको रात को भिगो लीजिए और उसको सुबह खा लीजिए। शीशम के पत्ते लेडीज जेंट्स दोनों के लिए अच्छे हैं। शीशम के पत्ते तो अद्भुत औषधि है धातु रोग की, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं।